नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पार्डी में बुजुर्गों के लिए बनाए गए मेडिकल होम का उद्घाटन गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद सीआर पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। यहां पर अभी और दो विंगों का निर्माण कार्य जारी है। गुजरात के वलसाड जिला के पार्डी क्षेत्र में समाज सेवक शरद देसाई और डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता ने अपने सहयोगियों संग मिलकर बुजुर्गों के रहने हेतु मेडिकल देखरेख के लिए 18 बेड के मेडिकल होम की शुरुआत किराए की जगह पर शुरुआत में किया था। आज यहां पर यह देखिए, ट्रस्ट के पास 45 बेड का स्वयं का मेडिकल होम बनकर खड़ा हो गया है। जल्द ही यहां पर ट्रस्ट के द्वारा 300 बेड से अधिक की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने। आज हम गुजरात के वलसाड जिले में हैं, पार्डी में। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हेल्पिंग मेडिकल होम उद्घाटन है, उसमें हमारे गुजरात के वन मंत्री जी आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं, सर आज कार्यक्रम है यहाँ पे, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसका मेडिकल होम का उद्घाटन है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बहुत तो शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये ट्राइबल विस्तार पांडे तालुका पहला ट्राइबल विस्तार भी है और वहाँ का कभी कभी व्यापारी उद्योगपति वो उसका बिजनेस के लिए विदेश में भी जाता है, तो विदेश में जाता है तभी उसको माता पिता को बहुत मुश्किल भी आती है, तो उसके लिए मैं गड़बड़ में उसके सेवा कौन करेगा। इस वजह से इधर का हमारा जो आगेवान है रत भाई और उसका डॉक्टर तो साथ में मिल के वो ग्रैंड सेलिब्रेशन का अच्छा बनाया है। उसमें एक दाता ने 1 करोड़ से ज़्यादा दान भी दिया है और हमने जो इधर सेवा ले रहा है उसके साथ मुलाकात भी किया है और मुलाकात किया तभी हमको ऐसा लगा है कि सच सेवा है, परोपकारी जीवन में सच सेवा हुई है और इस वजह से मैं युवा संस्था को बहुत शुभेच्छा देता हूँ। सर आज ओपनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो शुरुआत की थी 18 बेड से आज 40 तक पहुँचा है और आगे इन फ्यूचर में आप लोगों की जो 300 बेड की योजना है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो फैसिलिटी की इस समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर कुटुंब आ गए हैं और उसकी वजह से माता पिता को संभालना ओल्ड एज में वो बहुत तकलीफ वाला होता है। इसलिए जब 18 बेड से शुरू किया था तब से आज तक हमेशा इधर वेटिंग लिस्ट रहा है, इसलिए हम उत्तरोत्तर उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी 40 बेड आया है और उसके बाद 70 होगा और पूरा प्रोजेक्ट हमारा 350 बेड का है। मार्शल देसाई जी हैं, सर आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से इसकी परिकल्पना आई और आज जो स्टेट पे आप लोग पहुंचे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? हमारे चेयरमैन डॉक्टर साहब हैं, उनको ख्याल आया कि जब हॉस्पिटलाइज के बाद घर पे ले जाते हैं तभी बहुत ही दिक्कत आती है, तो इन बिटवीन क्या करना चाहिए, और जो हमेशा के लिए अपंग है उन लोग के लिए भी बहुत तकलीफ पड़ती है तो क्या करना चाहिए, तो उनकी यह कल्पना को साकार करने के लिए हम लोग ने साथ में मिलके ये हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल होम की स्थापना की है और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है और वडिलों की बहुत ही दुआएं हमें मिल रही है। बुजुर्गों के लिए एक अच्छी सुविधा जो है शुरुआत की है डॉक्टर साहब ने, हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में आपकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है कौन सी और योजना लाएगी ताकि बुजुर्गों को और इसका लाभ मिल सके? हम ऑलरेडी अभी सीनियर सिटीजन कैंप कर रहे हैं, वो हर महीने संडे के दिन होता है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति न आए और हम उनका हर महीने चेकअप करते हैं, फ्री में मुफ्त में दवा भी देते हैं। दूसरा कैंप हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर एस नटराजन करके हैं बॉम्बे के, जो उनके आदित्य जो फाउंडेशन है उनके साथ मिलकर हम लोग ये रेटिना स्क्रीनिंग का कैंप करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस आती है ओल्ड एज में वो हम रोक सकें। मैं अजय शाह हूँ और ये हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक एरिया में हो जाए तो लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, तो सबको एक ये कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना चाहे तो हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। मैं मीराज वशी हूँ, मैं ट्रेजर हूँ, संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने एक अच्छी एक्टिविटी जो समाज के अंदर एक जगह थी जिसमें करने की बहुत ज़रूरत लगी, डॉक्टर साहब का एक विज़न हुआ और हमने ये चालू किया।
हम ऐसा मानते हैं और स्वेच्छा रखते हैं कि सब जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंटरनल जो नीचे गांव ग्राउंड लेवल पे या गांव में भी थोड़ा ये सुविधा खड़ी हो और हम उसे टेक्निकल या कोई भी सपोर्ट देने के लिए भी तो ये एक अच्छा योगदान रहेगा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दिन में तो हम लोग स्वेच्छा देते हैं कि इसमें कुछ योजना चाहिए। सर हमारे साथ गुजरात भाजपा के प्रमुख हैं माननीय सी आर पाटिल साहब। पाटिल साहब आज यहाँ पे आप आए थे कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर? मैं जो हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में आया हूँ, ये संस्था एक छोटे नगर के अंदर इतना बड़ा फंड इकट्ठा करके जो उन्होंने काम किया है क्वालिटी वर्क के साथ और क्वालिटी सेवा भी कर रहे हैं और जो उन्होंने जिस तरह से वो मेंटेन कर रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और मुझे विश्वास है कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाती ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर जो संस्थाएं काम करती है जो उसमें से बेस्ट संस्था है उसमें से एक हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। आपने देखा अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुजरात भाजपा के प्रमुख यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब, इन्होंने हेल्पिंग हैंड के दो विंगों का उद्घाटन किया है जो बुजुर्गों के लिए यहाँ पर सेवा प्रदान कर रही हैं गुजरात के बड़साल ज़िले के पारडी में। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ और अभी भी वो बातचीत करके हमसे विदा लिए। जयशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, बड़साल।